बच्चों कक्षा 5 ए वालों के मैथ का कालांत है और आप लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 3.2 और क्वेश्चन नंबर ई है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर ई है। फिर आई अरेंज द कॉलम्स एंड सेपरेट द फॉलोइंग चेक योर आंसर, और आंसर की चेक भी करना है, जांच भी करनी है। कर 11,23,450 फ्रॉम 23 लैक्स इसको आप पहले सब्ट्रैक्ट करें, उसके बाद फिर जांच भी करें। तो कह रहा है ये 11,23,450 को 23,47,970 में घटाइए, ठीक है ना। तो ऊपर वाले लिख लेंगे 23,47,970 और उसके नीचे लिखेंगे 11,23,450, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया, क्या बचेगा? अब जीरो में जीरो आपको घटा लेना अच्छी तरीके से। जीरो में से जब कुछ है ही नहीं, उसमें जीरो में से जीरो घटाओगे तो होगा क्या? अरे यार नीचे कोई संख्या बड़ी है तो क्या करेंगे? बड़ी है संख्या तो आप ऊपर से ऊपर वाली संख्या से आप 12 लेंगे, ठीक है ना। 12 अगर हाँ 12 उधार लेंगे जिसको हिंदी में कहते हैं, और उधार जब पेन ले लेंगे तो उसमें ऐड करके आप इसको माइनस कर लेना, ठीक है सर। ठीक है, जीरो में से जीरो माइनस करें, जीरो सेवन में फाइव को माइनस कर लोगे, किस में भी 12 लेंगे। अरे इसमें 12 का नहीं दिया जाएगा। हाँ तो फिर जिसमें जो नंबर ऊपर ला दे नीचे वाला ऊपर लेता है नीचे ला दे तभी आप 12 लेंगे, ठीक है। 7 में 5 माइनस करेंगे 2, 9 में 4 माइनस करोगे 5, 7 में 3 माइनस करोगे 4, 4 में 2 माइनस करोगे 2, 3 में 1 माइनस करोगे 2, 2 में 1 माइनस करोगे 1। अब ये तो आपका ये आंसर आ गया। अब कह रहा है इसको आप बाइक चेक भी करना है, तो चेक कैसे करेंगे? ये अगर ये पहले एक नंबर ये तो था इसमें थी कि हमने घटाया और ये प्राप्त हुआ, अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें, अगर ये वाला नंबर हमारा आ जाता है, ठीक है ना, तब समझ लीजिए आपका आंसर सही है। तो पहले लिखिए 12,24,520, फिर 11,23,450, इसको ऐड कर देना। अगर ऊपर वाला आपका आंसर प्राप्त हो जाता है तो ये वाला नंबर प्राप्त हो जाए तो समझ लीजिए आपका आंसर सही है। तो 0527549437224213112 यही आपका नंबर है 23,47,970, ठीक है ना। ठीक, इसी प्रकार से आपको हल करने हैं। थैंक यू।